हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। एग्जाम के हर एक कॉन्सेप्ट को इजी टू हार्ड लेवल की ओर लेके चल रहे हैं। हमारा जो वर्तमान का जो टॉपिक था वो है अपना टॉपिक कंजंक्शन का। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इसे पुटअप किया जाता है, चाहे एग्जाम एयरफोर्स की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, यूपीएससी की हो। बहुत से क्वेश्चन इस कंजंक्शन से पूछे जाते हैं। और देखिए, ये किसी राइटिंग स्किल के लिए भी, राइटिंग स्किल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आज हम जो आगे का जो कंजंक्शन पढ़ेंगे वो अपना कंजंक्शन रहेगा बोथ एंड का। कहाँ कहाँ हम बोथ एंड का यूज करेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप ये जान लेना, यह एक फिक्स्ड कंजंक्शन है कि बोथ के साथ में केवल एक ही वर्ड यूज लिया जाता है और वो है एंड। दिमाग में रखना, बोथ के साथ केवल एक ही वर्ड काम में ले जाएगा और वो क्या है, केवल और केवल एंड। समझना, यदि आपके यहां पर बोथ के बाद में यदि सब्जेक्ट है, बोथ के बाद यदि सब्जेक्ट है, तो यहां भी आपके क्या होगा, एंड के बाद भी क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। कंफर्म? अच्छा जी, बोध के बाद यदि वर्ब है, बोध के बाद यदि वर्ब है, तो यहां इस ब्लैंक्स एंड के बाद भी आपकी क्या आएगी, वर्ब ही आएगी। ध्यान रखना, बोध के बाद यदि सब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी सब्जेक्ट होगा, बोध के बाद यदि वर्ब है तो एंड के बाद भी वर्ब होगा। यानी यहां पर रखे हुए दोनों वर्ड आपस में सिमिलर होंगे। कंफर्म? देखना, एग्जाम के माध्यम से, सॉरी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यहां पर एक सेंटेंस जो है बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा यहां पर, मिस्टर एस के टीचेज अस बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। फर्स्ट सेंटेंस मेरा ये था। सेकेंड सेंटेंस की बात करता हूं, मिस्टर एस के टीचेज अस बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक है, थर्ड सेंटेंस की बात करता हूं, मिस्टर एस के टीचेज अस बोथ इंग्लिश बट हिंदी। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। या एक चौथा सेंटेंस और देख लीजिए इसका, चलो अभी यही रहने दीजिए। इन एग्जांपल्स को देखिए, यहां पर एग्जांपल क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बोथ वाले में एंड आना चाहिए। तो इससे परे जो भी हो रहे हैं मैं उन सबको दूर कर दूंगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं और आगे क्या कहता है, यदि ये सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करता हूं, मिस्टर एस के टीचेज अस बोथ। कंफर्म? बोथ है तो क्या आना चाहिए, एंड। देखो आया क्या, एंड। क्लियर? अब देखते हैं, बोथ के बाद इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए, और हिंदी भी क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो सिमिलरली ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। कंफर्म? और बोथ के साथ में एंड है, यानी सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट। किसी भी प्रकार की एरर इसमें नहीं, एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस नंबर टू क्या कहता है, समझिए, मिस्टर एस के टीचेज अस बोथ। अब देखिए, अपन लोग आपको वो कंफ्यूज करेगा, यहां पर एज वेल एज देगा। और देखिए, मैं सेंटेंस को जब पढ़ता हूं तो मेरे को यहां पर ये एरर बिल्कुल भी नजर नहीं आती है, मैं एज वेल एज को भी राइट मान लेता हूं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बोथ वाले में केवल क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए। तो ध्यान दे, यहां पर बोथ के साथ में केवल क्या आएगा, एंड ही आएगा। तो कहने का मतलब, इधर आपकी कहां मिली, एज वेल एज में, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पर एज वेल एज आया है जबकि बोथ के साथ में क्या आना चाहिए, एंड। अब देखिए, बोथ के बाद इंग्लिश और एंड के बाद ही हिंदी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है दोनों, तो ये सब तो यहां पर कवर हो रही है। उसके बाद देखते हैं
थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, मिस्टर एस के टीचेस अस बोथ इंग्लिश बट हिंदी, यानी यहां भी बोथ के साथ में क्या यूज नहीं होगा, बट नहीं होगा, यहां पर यूज क्या लेना है आपको, एंड। और इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी गलत होगा, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए था, एंड आना चाहिए था। अगर आपको बोथ एंड का सेंटेंस पूछेगा, एरर पार्ट आपको बतानी है, तो इसी तरीके से आपको ढूंढ करके उसमें बताना है कि यहां पर अपने सेंटेंस में इस तरीके से एरर चलेगा। यानी एक दिमाग में ये बात फिक्स कर लेना कि बोथ होगा, उसके साथ आगामी जो वर्ड आएगा वो केवल एंड होगा, अतिरिक्त वर्ड दिए जाने पर उस वर्ड में आपको डेफिनेटली एरर मिलेगा, और उसी को आप एरर पार्ट मानते हुए आप वही अपना आंसर क्लियर करें। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट देखेंगे। मेरे हिसाब से बोथ एंड आपके सबके समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई भी आपके समस्या रहती है तो डेफिनेटली आप पूछिए, हम आपको वापस एक्सप्लेन करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो आपका है वो है लेस्ट शुड कंफर्म। माइंड में एक चीज तैयार कर लेना कि जहां लेस्ट होगा वहां पर शुड का यूज होगा। दिमाग में एक चीज कवर कर लेना कि जहां लेस्ट होगा कंजंक्शन में वहां पर आपको शुड जो है वो यूज करना है। समझे, यह नेगेटिव अर्थ देता है। क्या देता है ये? नेगेटिव सेंस देता है। लेस्ट क्या देता है? नेगेटिव सेंस देता है। तो दिमाग में एक बात याद रखना, यानी कभी भी नहीं आएगा क्या? नोट। कभी नहीं आएगा क्या? नोट। यानी नोट आपका यहां पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसी में नोट है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस जो दे रहा है। कंफर्म, बात को समझना। लेस्ट यदि आया, यूज करना है आपको क्या? शुड का। या लेस्ट वाला जो यहां पर वर्ड आएगा यूज है उसमें शुड का, उसमें कभी नहीं आएगा क्या? नॉट। तो इतना ध्यान रखना। अब एग्जामिनर इस प्रकार का सेंटेंस देगा, जिसे मैंने कहा यहां पर वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। एक सेंटेंस ये दिया, दूसरा वर्क hard lest you may, other model कोई भी है, other model fail। यहां पर एक sentence दिया मैंने, दूसरा work hard lest you should fail। ये तीन सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है। मेरी एक बात को समझना, लेस्ट और शुड दिया हुआ, लेस्ट यदि दिया हुआ है तो आगामी वर्ड में क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए। कभी भी इसमें नहीं आएगा क्या? नोट। यानी नोट इसमें कभी नहीं आएगा, और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है। इस तरीके से सेंटेंस दे दिया जाता है, कह दिया जाता है, इसमें एरर पार्ट को ढूंढिए। तो ध्यान रखना, यहां पर आपका नोट नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट दे रखा है और शुड दे रखा है, तो क्या नहीं आना चाहिए इसमें? नोट नहीं आना चाहिए। तो यहीं से आपके सेंटेंस में क्या है? ये एरर पार्ट है, कंफर्म। उसके बाद देखिए, सेकंड सेंटेंस लिखा वर्क हार्ड लेस्ट दिया हुआ है, अदर मॉडल दे दे यहां कोई भी, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि लेस्ट के साथ तो क्या आना चाहिए? केवल शुड ही आना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी क्या है? आपका रॉन्ग है। थर्ड सेंटेंस देखिए क्या है, लेस्ट के साथ में क्या आना चाहिए? शुड। और वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्योंकि लेस्ट के साथ में शुड यहां पर एक राइट वे में यूज लिया गया है। इस तरीके से आपको लेस्ट और शुड जो मॉडल है, सॉरी कंजंक्शन है, उस कंजंक्शन को आपको बढ़िया तरीके से क्लियर याद रखना है, याद करना है। ठीक है, इतना याद रखना, कभी नोट नहीं आएगा, कभी अदर मॉडल नहीं आएगा। दो चीज यहां दिमाग में सेट कर लें, लेस्ट यदि है तो यहां नोट नहीं होगा, अदर मॉडल नहीं दिया जाएगा, यहां पर केवल और केवल मॉडल होगा, वो कौन सा होगा? शुड मॉडल होगा। कंफर्म, देखिए नेक्स्ट। देखिए आगे आने वाला जो पार्ट है वो है बिटवीन एंड।
समझना, बिटवीन के साथ में एंड यूज लिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखिए एग्जांपल को ध्यान से समझना, बिटवीन के बाद जैसा वर्ड है वैसा ही वर्ड एंड के बाद आना चाहिए। जैसा वर्ड यहां पर दिया गया है ठीक वैसा ही सिमिलर वर्ड यहां एंड के बाद आना चाहिए। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, इसका बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल लेंगे। मैंने लिखा राम विल कम बिटवीन, किस तरीके से आपको एरर देगा वो, बिटवीन 7 AM टू 9 AM। ये एग्जांपल दे दिया ठीक है। दूसरा सेंटेंस इसी का लिख दिया मैंने, राम विल कम बिटवीन 7 AM एंड 9 AM। यहां पर ध्यान दें कि जो इस तरीके से आपको सेंटेंस यदि दे रखा होता है तो यहां पर बिटवीन के साथ में आपको एग्जाम में एंड नहीं मिलेगा, वहां पर टू दिया जाएगा। तो आप समझना कि यहां पर जो टू है वहीं पर क्या है, रोंग पार्ट है, क्योंकि टू के स्थान पर क्या आना चाहिए था, एंड आना चाहिए था ठीक है। क्योंकि बिटवीन के साथ में जो कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है वो कौन सा है, एंड है। तो बिटवीन के साथ किसका यूज होना चाहिए, यहां पर एंड का यूज होना चाहिए। ये आपके पार्ट क्या है, गलत है। राम विल कम बिटवीन 7 AM एंड 9 AM। देखिए यहां पर बिटवीन है और बिटवीन के साथ में एंड, ये जैसा वर्ड है वैसा सिमिलर वर्ड यहां पर है। तो इस तरीके से आपका अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन दिस सेंटेंस इज क्लियर ठीक है। ये सेंटेंस आपका क्या है, राइट सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर बिटवीन के साथ में एंड का यूज हुआ है, इससे ठीक बाद और इसके ठीक बाद एक सिमिलर जैसे एक जैसे वर्ड है, तो हम यहां पर इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, एकदम क्लियर कहेंगे, बढ़िया कहेंगे। अब दिमाग में एक चीज आती है कि सर यहां पर टू दिया हुआ है तो वो टू कब आना चाहिए ठीक है। देखिए एक यहां पर अभी इसमें बता देता हूं मैं, फ्रॉम टू, ध्यान रखना कंजंक्शन फ्रॉम टू का यूज एक दूसरे के साथ किया जाता है। जैसे मैंने लिखा द पार्टी एज फ्रॉम 9 AM टू 10 AM ठीक है, यानी जो पार्टी है वो 9 से 10 यानी समय को इंडिकेट करने के लिए यहां पर फ्रॉम के साथ में टू का यूज किया जाता है। ध्यान रखना फ्रॉम के साथ आएगा टू और बिटवीन के साथ में आएगा एंड, यही से वो आपको क्या है एरर पूछेगा, यही से वो आपको क्या पूछेगा, एरर पूछेगा। और आपको इसी तरीके से बिटवीन के साथ में एंड देना है, फ्रॉम के साथ में टू देना है, और इस तरीके से आप एग्जांपल को अपने माइंड में इस तरीके से सेट कर लें कि आगामी जब भी आपकी कोई एग्जाम हो और इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो आप वहां तुरंत प्रभाव से एरर को ढूंढ लें, तलाश कर लें, सर्च कर लें ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है वो देखते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजंक्शन, ध्यान से समझोगे एक एक चीज आपके समझ में आएगी। देखिए आपके सामने यहां लिखा हुआ है सो दैट, आपके सामने लिखा हुआ है सो दैट, यानी जहां सो का यूज कर लिया जाएगा वहां पर दैट का यूज होगा। ध्यान रखना इन पॉजिटिव सेंस, इन पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में सो के साथ में किसका यूज होता है, दैट का। तो नेगेटिव सेंस में किसका हो जाएगा, एज का। यहां पर क्या आ जाएगा, सो एज, नेगेटिव सेंस में तो सो एज और पॉजिटिव सेंस में शो दैट का यूज होगा। बात को समझना यहां पर, यहां पर एक जो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है उस सेंटेंस को समझना, सी इज सो ऑनेस्ट सो एवरीवन लाइक्स हर। देखिए सो के साथ में या तो सो के बाद में एज आए या सो के बाद में दैट आए, लेकिन यहां तो सो के बाद में सो ही आ रहा है, तो कॉमन एरर कहां मिलेगी आपको, यहीं से मिलेगी। क्या आना चाहिए था यहां पर, दैट यूज होना चाहिए था क्योंकि पॉजिटिव सेंस।
जा रहा है सेंटेंस का। तो सो के साथ किसका यूज होना चाहिए था? दैट का, जैसा कि यहां इस सेंटेंस में कह रखा है। ये सेंटेंस आपका क्लियर है, ये सेंटेंस आपका क्या है? रोंग है। बात को समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक दूसरा सेंटेंस जो है आपके सामने लिख देता हूं। दिस लैंग्वेज इज सो डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट सॉल्व। This language is so difficult that we cannot solve it. देखिए यहां पर so, यहां पर that का use किया गया। So के साथ हमेशा किसका use होता है? That का use होता है। अब देखिए इस sentence को मैं to का use कर दूं इसमें, तो भी हम इस sentence को बना सकते हैं और exam में जो sentence आपके पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से भी है होता है। देखिए so that का तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सॉल्यूशन को सॉल्व आउट करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए टू का यूज मैं इसमें करता हूं, तो ध्यान रखना अगर मैं इस सेंटेंस को टू का यूज करके भी सेंटेंस बनाता हूं तो आपका बनेगा, देखिए जहां सो था वहां यूज कर दो टू का, डिफिकल्ट उसके बाद में टू, और ये सभी चीजें हम यहां से हटा देंगे और लिख देंगे यहां पर सॉल्व, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक वाला जो सेंटेंस का पार्ट था वो हमने क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है, और डायरेक्ट हमने इसके स्थान पर क्या कर दिया? टू का यूज किया। तो हम इसका और इसका दोनों का ट्रांसलेशन जो है वो एक ही है, ठीक है, आप देख लीजिए, ये एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी सेंटेंस सॉल्व आउट करेंगे। अब क्या करेगा वो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा? वो सेंटेंस देगा इस तरीके से, दिस लैंग्वेज इज टू डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट सॉल्व इट। क्या देगा वो? दैट वी कैन नॉट सॉल्व, और कहेगा कॉमन एरर देखिए। तो आप बता सकते हैं कि यहां पर कॉमन एरर कहां बनेगी? देखिए टू के बाद, यहां जब टू आएगा तो यहां टू आएगा और टू के बाद में आपको वी1 देकर के सेंटेंस स्टॉप करना है, ठीक है। जबकि आपको वहां पर सेंटेंस दे रखा है दैट वी कैन नॉट सॉल्व, तो यहां से आपको उस सेंटेंस में देखना है कि कॉमन एरर यही होगा, क्योंकि टू वाले सेंटेंस में केवल टू के बाद में वी वन आता है, दैट वी कैन नॉट नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या कहेगा वो? सो डिफिकल्ट, कभी कभी वो ये भी कह देता है टू सॉल्व, ये न दे करके वो क्या दे देगा यहां? टू सॉल्व, सो दिया और टू दिया, जो भी क्या होगा ये रोंग होगा। तो आप ध्यान रखने सो के साथ में दैट का और टू के साथ में टू का यूज आपको करना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े ही इजी वे में मैंने आपको बताया है, जो एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछा जाता है कॉमन एरर के रूप में, तो आपको इस तरीके से वहां पर कॉमन एरर देखनी है। देखिए नेक्स्ट, आगे का जो पार्ट है देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे अपना कॉन्सेप्ट है रेदर देन, ध्यान से सुनना, रेदर के साथ में टी एच ए एन देन का यूज होगा, न कि टी एच ई एन का, ये होता है वहीं से आप कॉमन एरर देख लीजिए, वो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस फर्स्ट ध्यान रखना, रेदर के बाद यदि सब्जेक्ट है तो इसके बाद भी क्या आएगा? सब्जेक्ट। रेदर के बाद वर्ब है तो इसके बाद भी क्या आएगा? वर्ब। रेदर के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो यहां भी क्या आएगा? देन के बाद भी ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, ठीक है। समझिए यहां पर देखिए सेंटेंस आपका फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है, तीनों में अपन कॉमन एरर देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ही वुड रेदर हैव आइसक्रीम ओवर मिल्क शेक। देखिए सबसे बड़ी कॉमन एरर तो यहां पर यह आ गई कि यहां पर एक तो दिया हुआ है ओवर, ठीक है, जबकि रेदर के साथ में क्या आना चाहिए था? केवल और केवल यहां आना चाहिए था देन। किसका यूज होना चाहिए था यहां पर? देन का। अब देखते हैं रेदर के बाद क्या है यहां पर? हैव, तो देन के बाद भी क्या आना चाहिए आपके यहां पर?
वर्ब ही आनी चाहिए, जबकि यहां पर नहीं है, तो यहां ये हैव होगा वो क्या आ जाएगा, इसके इधर आएगा, यहां होगा हैव। अब देखिए रेदर के बाद ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से यदि सेंटेंस बनेगा तो आपका सेंटेंस सही होगा, अन्यथा वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। सेकंड जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, ही वुड रेदर हैव आइसक्रीम देन मिल्क शेक। देखिए यहां पर ध्यान से देखना, रेदर दिया हुआ है तो रेदर के साथ देन का यूज होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कंफर्म है। लेकिन ध्यान रखना रेदर के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर हैव दिया हुआ है जबकि देन के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो हैव है वो क्या आना चाहिए था, रेदर के पहले आना चाहिए था। तो यहां पर कॉमन एरर क्या बनी, यही आपका कॉमन एरर बनेगा, सेंटेंस रॉन्ग है, ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। थर्ड सेंटेंस की तरफ देखेंगे, ही वुड रेदर स्टार्व देन स्टील। देखिए यहां रेदर के बाद में दिया हुआ है देन, और देखना रेदर के बाद दी हुई वर्ब और यहां भी दिया हुआ है देन के बाद भी वर्ब, यही कॉन्सेप्ट कहता है कि रेदर में, रेदर वाले सेंटेंस में क्या होता है, देन होता है, यदि इसके बाद सब्जेक्ट है तो यहां सब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और यदि वर्ब है तो वर्ब। इस तरीके से आप लोग किसी भी सेंटेंस के कॉमन एरर को आप ढूंढ सकते हैं, जो बड़ा ही इजी है, बस माइंड आपको रखना है, कॉन्सेप्ट आपको माइंड में तैयार रखना है, दिमाग में रखना है। आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली जो क्लास होगी उसमें और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।